नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कॉल क्राइसिस पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हैं। बैठक के लिए कोयला और ऊर्जा सचिव समेत कई बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया है। पिछले दिनों बिजली संकट के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कॉल क्राइसिस का मुद्दा उठाया था। अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। AIPEF के मुताबिक गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा कोयले की आवश्यकता होती है। बता दें, भारत करीब 200 गीगावाट बिजली यानी करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले प्लांट से करता है। देश में कोयले से चलने वाले 150 बिजली की प्लांट्स हैं। पिछले दिनों बिजली संकट गहराने पर बिजली प्लांट तक कोयला ले जाने वाली ट्रेनों को रास्ता देने के लिए रेलवे ने ट्रेनों के 670 फेरे रद्द कर दिए थे। करीब 16 राज्य इस बात को कह रहे हैं कि कोयले की कमी होने जा रही है, कोयले की जितनी स्टोरेज होनी चाहिए थी उतनी उपलब्ध नहीं है, और अगर समय रहते सरकार ने कोयला उपलब्ध नहीं कराया तो ये पावर प्लांट्स जो कोयले से चलते हैं बंद हो जाएंगे और बहुत ही बड़ा क्राइसिस, पावर क्राइसिस सिचुएशन पूरे देश में खड़ा हो जाएगा। कल हरियाणा के अंदर भी यही बात कही गई। तो ये कहना कि दिल्ली सरकार के मंत्री गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत है। मुझे लगता है कि कोयला मंत्री आर के सिंह जी को इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की तूतों में ना पढ़कर कोयले के प्रबंधन के अंदर जो है थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बदनामी है एक भारत देश के लिए जो खुद को विश्व गुरु बनाने की राह पे है कि हमारे यहाँ कोयला भी उपलब्ध नहीं है कि हम लोग अपने यहाँ लोगों को बिजली दे सकें। पास कोयले का बड़ा खजाना है। हम दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ कोयला सबसे अधिक भंडार में है। फिर भी आपको ये बात हैरान करेगी कि आखिर हम कोयले का आयात क्यों कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपाल जाट, सोशल एक्टिविस्ट, चिंतक, विचारक और किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से। आनंद सवारिया जी, बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर राष्ट्रधर्म में। आनंद जी, कोयले का बड़ा उत्पादन हमारे यहाँ हो सकता है, लगातार कोल ब्लॉक के आवंटन की मांग उठती रही और दूसरे नंबर पर भारत आता है कोयला खोदने में पूरी दुनिया में, चाहे पहले नंबर पर चीन है, फिर भारत है, फिर उसके बाद तमाम देश हैं, इंडोनेशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तमाम देश हैं, दक्षिण अफ्रीका है, जर्मनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हम कोयला आयात भी निर्यात भी कर रहे हैं अपने आस पड़ोस में, नेपाल में, श्रीलंका में, और उसके वनस्पत आयात भी कर रहे हैं, तो फिर ये बीच में अब संकट क्यों आया है? महज एक रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से? तो क्या इसका अल्टरनेटिव रूट हम तैयार कर पाने में अभी तक सक्षम रहे हैं? और ऐसी स्थितियाँ तो पहले भी सरकारों ने फेस की है। देखिए, आज का मुद्दा एक ये सीजनल प्रॉब्लम मैं कहूंगा, इसको युद्ध जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा हो सकता है, क्योंकि उस युद्ध की वजह से इंपोर्ट जो है वो महंगा हो गया। बट आपने सही कहा कि भारतवर्ष सबसे बड़ा कोयला उत्पादन कंट्री है। हमारे पास कोयले के जो भंडार हैं वो करीबन 111 साल तक चलेंगे। अब इंपोर्ट की बात जो आप कर रहे हैं, वो कोयला जो इंपोर्ट होता है वो सॉफ्ट कोल है, जो खास करके स्टील बनाने में यूज होता है, उसके लिए इंपोर्ट होता है, और हमारा एक्सपोर्ट तो बहुत मिनिमम एक्सपोर्ट है।
लेकिन जो मुद्दा आज का चल रहा है और जिसमें मेरे विपक्ष के साथी आपदा में दे आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए, इस बार पहली बार 112 साल में अप्रैल में टेम्परेचर हैज रिजन अनएक्सपेक्टेडली। यूजुअली मेरी कंट्री में 1.88 बिलियन यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अब की बार जो सप्लाई है वो 1.6% कम हो गई है, क्योंकि करीबन 173 जो हमारे थर्मल प्लांट, देखिए सबसे बड़ी त्रासदी है कि मेरी कंट्री में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, बिजली का प्रोडक्शन है, वो 70 to 75% कोल बेस्ड है। रेस्ट ऑफ दिस थिंग, विंडमिल कह लीजिए, एटॉमिक कह लीजिए, हाइड्रो कह लीजिए, वो मिनिस्कल है। मैक्सिमम दबाव जो है कोयले के ऊपर होता है, और क्योंकि सब इससे मैटर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि डिमांड अप्रैल में एकदम से इतनी जी मैच ज्यादा करिए। बढ़ गई है कि हम 1.6% सप्लाई कम कर पाए हैं। 173 जो थर्मल प्लांट्स हैं उसमें से करीबन 150 थर्मल प्लांट्स ने प्लान अपना प्लान इस अनएक्सपेक्टेड प्लान नहीं कर पाए। वो कोयले को, कोयले की कहीं भी कमी नहीं है, कोयला बहुत है कंट्री में, लेकिन वो प्लान नहीं कर पाए। और क्योंकि प्लान करते तो आज हालात ये है कि करीबन 150 प्लांट्स में करीबन 10 दिन का कोयला बचा हुआ है। देखिए, अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं प्रॉब्लम का तो सब मिलकर के होते हैं। भारत सरकार ने इस वक्त सीआईएल, जिसको कहते हैं कोल लिमिटेड इंडिया है, उसने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और करीबन 14.2% प्रोडक्शन बढ़ा दिया है अप्रैल तक। और दूसरा दूसरा जो है, ये जो प्रॉब्लम जब 16 स्टेट्स में आ रही है शॉर्टेज की और उससे पावर कट लग रहे हैं, जनता की प्रॉब्लम सही है, जनता त्राही त्राही करेगी, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे पॉलिटिक्स कुछ तो कौन खेल रहा साथी है सर, जो आप ही की सरकार है, मेरे 8 साल से ओपोजिशन के कांग्रेस तो लोग, क्या ही कर लेगी, नहीं कांग्रेस सवाल ही कर सकती है, मैं कांग्रेस कह के रहा पास हूं, आया होगा जब कांग्रेस ने किया नहीं होगा। सवाल नहीं, मैं सवाल का ही जवाब चंद्रशेखर जी कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को जो पावर है कि एक्सचेंज पावर आप खरीद लीजिए। अगर आपके, मैं किसी स्टेट में नहीं जा रहा, मैं इस वक्त नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, भारत की सरकार हमारी सरकार है। मैं ये कह रहा हूं, जो अपोजिशन वाले यहां तक पहुंच गए कि वो तो धर्म से, अब फारूक अब्दुल्ला फैमिली ने क्या किया है, उसको धर्म से जोड़ दिया है। तो मैं ये कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे जो विपक्षी लोग हैं उनकी इस डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वजह से ही उन लोग, भारत की जनता ने उनको नकार दिया है। देखिए, जनता को बिजली ठीक मिलनी है, चाहिए, जो ठीक है, नॉर्म है उसमें आ मिलनी रहा हूँ मैं चाहिए, आनंद जी, ठीक लेकिन है, मैं वो, आता हूँ आपके पास। रत्नाकर सिंह जी, जी समस्या बड़ी है लेकिन जवाब जो है वो संतुष्टिपूर्ण कैसे हो और कैसे लोगों के घर में उजियारा हो, ये सरकार का प्रण भी है और संकल्प भी है, लेकिन अभी हालात बहुत कठिन हैं, तो कैसे होगा ये समाधान? सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि हालात इतने कठिन कैसे हुए। राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था कि जो है कोयले की कमी होने वाली है, आप जो है भंडारण को ये सुनिश्चित करिए कि पर्याप्त 21 दिन के लिए भंडारण रहे किसी भी कोयला संयंत्र में। लेकिन विडंबना ये है कि उनकी बातों को ये कहने के बावजूद भी 165 कोयला संयंत्रों में सिर्फ 165 में से 105 कोयला संयंत्र में सिर्फ 7 दिन की का कोयला भंडारण है। जो कोयला हमको चाहिए 66 मिलियन टन, वो आज कोयला 21 मिलियन टन देश में इन कोयला संयंत्रों में भंडारण है। 25% के करीब जो है भंडारण है। आप ये सोच सकते हैं कि ये इतना इतना गैप कैसे हुआ? ये गैप ऐसे हुआ कि इन लोगों ने फोरकास्टिंग जो होती है कि हम सब सब जानते हैं कि गर्मी में बिजली की खपत ज्यादा होती है, ये वहां से क्या बताएंगे, सारे लोग जानते हैं। तो लोग जो जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, या जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं,
वो ये चीज का ध्यान देती है कि जो है बराबर हमारे पास भंडारण रहे ताकि हम लोग सप्लाई कर सके, लेकिन इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं बनी होती। आज 657 ट्रेनों को, पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने की नौबत नहीं आती। आज जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उस समय मध्य प्रदेश में बिजली गुल हो जाती है 16 राज्यों में जो 8-8 घंटे करीब, उत्तर प्रदेश में कई जगहों में 15-15 घंटे करीब बिजली चली जा रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इनका मिसमैनेजमेंट है। आज जैसा कि महाशय कह रहे थे कि मैं बिल्कुल उस बात से एग्री हूँ कि 111 साल के लिए हमारे पास कोयले का भंडारण पर्याप्त मात्रा में है, तो उस कोयले का उपको आप क्यों नहीं बिजली घरों तक पहुंचाए, क्यों नहीं उसको प्रॉपरली आपने मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट आपका हुआ नहीं। और आज जब बिजली की कमी हो रही है तो आप ये कह रहे हैं कि कोयला आप आयात कर लीजिए। आज भूख लगी है मुझे अभी, तो अभी आप कह रहे हैं कि आप खाना बनाइए और खाइए। अरे भूख लगी है तो खाना बनाने खाने में भी दो घंटा जाएगा। तो आप अगर हम लोग आयात भी करते हैं तो बिजली पहली चीज आयात करने के बाद महंगी मिलेगी लोगों को, और ये आयात करने वाले कोई जो सुझाव है ये सही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारों के ऊपर बोझ बढ़ेगा। और ये पहले भी राज्य सरकारों का पैसा, जो अभी महाराष्ट्र की बात कर लूं तो 26,500 करोड़ रुपया जीएसटी का कलेक्शन केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है, वो पैसा ये देंगे नहीं। तो हमारे पास पैसे देंगे नहीं और ये कहते हैं कि आप खरीद लीजिए बाहर से। देखिए दूसरी चीज ये जो राज्य सरकारों के ऊपर आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कि राज्य सरकारें बिजली खरीद ले, अरे यही मोदी जी है जब 2017 में प्राइवेट कंपनियों को कोयले का ऑक्शन किया जा रहा था तो उस समय ये बोले थे कि 130 से 150 मिलियन टन कोयला जो है हमारे देश में रहेगा और कमी नहीं होगी। 2021 में इनके पावर मिनिस्टर कहते हैं कि अब हमारे पास जो है कोयले का भंडारण पर्याप्त मात्रा में, हम सिर्फ इमरजेंसी में ही कोयला खरीदेंगे। 2022 में फिर पावर मिनिस्टर कहते हैं शुरुआती में कि कोयले का भंडारण पर्याप्त मात्रा में होगा, अब हमें आयात करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये अभी अप्रैल के महीने में कहने लगते हैं कि आप आयात करिए। तो आप क्या इनको इनके दिशा दिवा स्वप्न आ रहा है क्या, दिन के सपने आ रहे हैं क्या कि कोयले भंडारण की कमी हो गई है कोयला संयंत्रों में और हमें अब खरीदना पड़ेगा? ये तो मतलब वो मतलब आप कह सकते हैं कि ये पूर्णतया ये सरकार इस मामले में कोयले के मामले में पूर्णतया फेल है। मैं आऊंगा आनंद जी आपके पास, आऊंगा एक बार सबके पास पहले चर्चा कर ले फिर मैं आऊंगा आपके पास। मुझे चंद्रशेखर जी कांग्रेस की आवाज सुनाई नहीं दे रही। कांग्रेस की आवाज तो बीजेपी को सुनाई दे भी नहीं रही है, वैसे अगर सुनाई देगी बिल्कुल अभी करवाते हैं। जनता नहीं सुन सुनाई नहीं दे रही है, बिल्कुल सुनाई दे रही है। ठीक है, नहीं वो क्या है हिंदुत्व का जो ढोल है ना, हिंदुत्व का फर्जी ढोल। अरे लाउड स्पीकर हटवा लिए ना आपने, इसलिए नहीं सुनाई दे रही है। इतना जोर से हिंदुत्व का ढोल पीटते हैं कि इनको सुनाई नहीं देता, जनता से जुड़ा नहीं होता। ठीक है, मैं आऊंगा आऊंगा। रत्नाकर जी अरे इनको कहां दिखेगा? ठीक है दिखेगा कि मांगे तेल हो गया, मैं आऊंगा। रत्नाकर जी कहां दिखेगा इनको कि बिजलियां नहीं मिल? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। रामपाल जी, पार्टी का चरित्र है। रामपाल जी, ये जो कमी है इसका मूल कारण क्या है, हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रामपाल जाट जी, क्या मूल कारण है कि इतनी सुगठित सरकार है, जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है, फिर क्या ऐसी बात रह गई कि ये पता नहीं चल पाया? चंद्रशेखर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, यदि हम इस ढंग से कहें कि कोयला तो भरपूर है लेकिन वो आवश्यकता से दूर है, तो आज हमारे पास भंडारण की कमी नहीं है, उनका समय पर उपयोग करना ये जो सरकारों की नीति होनी चाहिए और उसको क्रियान्वयन के ढंग होने चाहिए, उसकी खोट के कारण से
सबको भुगतना पड़ रहा है। और एक तो दूसरी बात है, कई बार ऐसा हो जाता है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पर हो, कोई कैसा भी व्यक्ति होगा, किसी भी दल का होगा, यदि कोई अच्छी बात कहता है तो सरकार को सुननी चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, अच्छी बात सुनना शुरू करते। इसलिए आपने जो अपनी टिप्पणी की चंद्रशेखर जी, वो महत्वपूर्ण टिप्पणी की, आपने तो अपने स्पीकर हटा रखे इसलिए आप तो सुनते नहीं हो, तो ये जो स्थिति आती है, ये स्थिति ऐसे संकटों को न्योता देती है। ऐसे संकटों को न्योता देने के लिए हमारे जो नीति और नियत है वो तो दोनों है। और एक जो खास बात हो गई अभी पूरी राजनीति में वो हो गई निंदा आधारित राजनीति। तो भाई एक हमको ध्यान है जब खेल चल रहा था हॉकी का और हम इंटरवेल तक एक गोल से हार रहे थे अंतरराष्ट्रीय मैच में, तो मेजर ध्यानचंद ने एक बात कही कि भाई इंटरवेल तक तो आप अपने अपने लिए खेले हो, अब देश के लिए खेलो। और जैसे देश के लिए खेलने का आह्वान किया हमने मैच जीता। यदि इसी ढंग की समस्याओं को हम चुनौती के रूप में ले, इसको जीतना है तो मुश्किल नहीं है। दिक्कत यह है कि हम तो चुनौती रूप नहीं लेते और चुनौती के रूप में नहीं लेकर उल्टा काम करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। मेरी कमीज पर सब दाग है, मेरी कमीज बिल्कुल बेदाग है, ये बहस की जरूरत नहीं है। इसलिए आज के समय में सामान्य जनजीवन को सुविधा के लिए, उनकी आवश्यकता के लिए सरकारों को अपनी अपनी हट धर्मता छोड़कर ये काम करना चाहिए। और आज राजस्थान की मैं बात करूंगा, एक विज्ञापन छपा पूरा पेज का और वो छपा है यहाँ राजस्थान सरकार की ओर से, और ये तो अलग दल की है, केंद्र में अलग दल है, तो भी उनमें लिखा है कि कोयले की कमी के कारण हम आज बिजली के संकट में है। तो हमने एक बात कही है कि भाई मान ली, एक मिनट एक तर्क के लिए आप लोग मान लीजिए कि ये कोयले की कमी के कारण से संकट उत्पन्न हुआ, जितनी उपलब्धता है उसका वितरण तो न्यायपूर्ण कर दो। गांव में 8 घंटे बिजली नहीं और शहर में 2 घंटे कटेगी, वो भी सुबह सुबह जब आवश्यकता नहीं होती तब। तो ये शहर और गांव एक देश में 2 कानून बना दिया आपने, 2 तरह के मापदंड अपना लिए। तो कोई सी भी सरकार हो, या एक दल की सरकार है, दूसरे दल की सरकार है, तो ये सरकारों की जो स्थिति है कि शहरों की चिल्लपो से हम बहुत डरते हैं। इसलिए जो चिल्लपो करे पहले उसकी सुनो, हम न्याय को भूल गए। तो न्याय पूर्ण तरीके पर हम चले तो कम से कम संविधान की सौगंध खाई है सारे मुख्यमंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, सभी ने, और कहा है हम संविधान की निष्ठा पूर्वक पालना करेंगे। तो आपने सौगंध खाई है ना भाई, तो जो आपने सौगंध खाई है उसको तो निभाओ। तो भारतीय संविधान जो कहता है समानता का अधिकार, समानता का मूल अधिकार, उसको तो आ जाओ। वो गांव का इसलिए दंडित कर रहे हो, ठीक है, शहर का इसलिए पुरस्कृत कर रहे हो। ये जो नीति है ये वितरण में न्याय पूर्ण नीति नहीं होने के कारण से आज राजस्थान में सब जगह बच्चे बिलबिला रहे हैं, जो बीमार है वो अकुलहाट है वहां, और जो वृद्ध है वहां भी उनकी व्याकुलता है। हमने सभी को घबराने के लिए, अकुलहाट के लिए, बिलबिलाने के लिए मजबूर कर दिया उनको जो गांव में रहते हैं। तो गांव में रहना पाप है, इस देश में गांव का देश है, बिल्कुल। तो गांव के देश में गांव को बिजली नहीं मिलेगी, ठीक है, और गांव के काट कर गांव की कटौती और शहर को पूरी बिजली मिलेगी, ठीक है। कहां का न्याय भाई, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। रामपाल जी, रामपाल जी, आनंद संवारिया जी, देखिए रामपाल जी ने कहा कि न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, और ये अर्बन वोटर या रूरल वोटर का तो मैटर नहीं है, बिजली पर तो सबका अधिकार है, और भाजपा का राज है तो पूरा देश रोशन होना चाहिए, फिर यह अंधकार क्यों, आपका तो अंधकार से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, तो फिर यह अंधकार क्यों बढ़ता जा रहा है, और आप उस अंधकार के भीतर आपके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी परिपक्व सरकार, बहुमत की सरकार और लंबे समय से चली आ रही सरकार, फिर व्यवस्था में कहां खामी रह गई। चंद्रशेखर जी, मैं रामपाल जी को नमस्कार करते कहूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से
विश्लेषण किया और मेजर ध्यानचंद जी का नाम लिया और देश के खेल ये खेलने के लिए बात किया। इन्होंने आज पूरी डिबेट का निचोड़ लगा दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज हमारी डिमांड 199 गीगावाट है। मैं आज की डेट बोल रहा हूं, हमारी प्रोडक्शन 182.39 गीगावाट है, 1.88 बिलियन यूनिट की कम प्रोडक्शन है। तो मैं जिस तरह से अभी रामपाल जी ने बताया है जो प्रॉब्लम गांव और शहर की है उस पे तो मैं अभी चंद मिनट में आता हूं, लेकिन जो कमी की बात मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता और जिसपे आपने लाइट में कहा कि हम उनकी सुनते नहीं, नहीं मैं इनके ओपनिंग में सुन रहा था कि इनके नेताजी ने राहुल गांधी जी ने कुछ कहा था, क्या कहा था मैंने सुना नहीं, शायद मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के बोलते हैं, बता बट इनकी आदत है कि जब एक बार बोलना शुरू कर देते हैं तो वो एंकर की भी नहीं सुनते। नहीं नहीं रत्नाकर जी बता दीजिए एक बार, थोड़ा सीमित और संक्षिप्त बताइएगा क्या कहा था, जो उनने कहा वो बताइएगा, आप मत बताइएगा। ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अरे सर अगर विपक्ष की सुनिए, मैं एक आदत छोड़िए फिर मैं चलता हूँ, ये नहीं बता पाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ राहुल गांधी ने जो कहा है वो बता दीजिए। राहुल गांधी ने चेताया था इनको कि देखिए गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ जाएगी, कोयला संयंत्रों में जो भंडारण पर्याप्त मात्रा में है नहीं, 7 दिन का भंडारण बचा हुआ है और कम से कम 21 दिन का होना चाहिए, तो आप समुचित व्यवस्था वहां पे करिए जिससे कि बिजली की किल्लत जो लोगों को होने वाली है या हो सकती है वो किल्लत नहीं रहे। लेकिन ये विपक्षी बात सुनते कहां, चलिए अब ठीक है, कोविड लहर में भी चेताया था, सुन लीजिए सुन लीजिए, अरे महाराज सुन लीजिए, रत्नाकर जी सुन लीजिए। हाँ देखिए नहीं मैं भी एक सवाल कर लेता हूँ आनंद सवारिया जी, कोरोना में कहीं वो दिया सलाई और वो लाइट जलानी पड़ी थी मोमबत्ती, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, लाइट तो आ जाएगी ना बजवा रहे थे। नहीं 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 बिल्कुल चंद्रशेखर जी, हमारे कोयला मंत्री ने पूरा कैंडिडेटली कहा, मैं उस पे आ रहा हूँ अभी, चंद्र से अभी मेरे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जी ने चेताया था, हमें चेता करके देश को चेता करके वो फॉरेन कंट्री की छुट्टी काटने चले गए। ये व्यक्तिगत अब सुन लीजिए मेरी बात को, बात में बीच में मत बोलिए, आप जब बोलते थे तलाब करते थे, आदत है कांग्रेस, कांग्रेस वजह से पूरे भारत महिला ने उनको नकार दिया है। मैं कहता हूँ कांग्रेस को सच्चा से पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास एक या दो स्टेट को होंगे, आप लोगों का क्या एफर्ट रहा है उस स्टेट में? नहीं नहीं एक मैं मेरी बात सुनिए आनंद सवारिया जी, आनंद सवारिया जी, आनंद सवारिया जी एक बात बताइए कि क्या भारतीय परंपराओं में नहीं है अपने परिवार में कहीं मिलने जुलने जाना, नहीं है, संस्कृति का हिस्सा है, कोई अपने घर नहीं जाएगा कहीं, और ये अलग बात है कि कहीं किसी का घर होगा तो वहाँ नहीं जाएगा, ये तो बड़ा आप व्यक्तिगत जीवन को राजनीति या और इसका कोयले से क्या संबंध है बताइए, इसका कोयले से क्या संबंध है? कोयले से संबंध नहीं है, जो चेतावनी की बात जो कांग्रेस का आदमी, जब देखिए ये पानी पी पी के बोलने की आदत इनकी अब जाएगी नहीं। अरे महाराज अब गिलास पे भी आरोप, आपको उनके नानी के जाने पे भी आरोप, रत्नाकर सिंह पे भी आरोप, कमाल कर रहे हैं आप। मैं ये पूछ रहा हूँ सरकार परिपक्व है, बहुमत की सरकार है, बहुत जब राहुल गांधी को पता चल गया, देश को पता चल गया, और पहली बार नहीं हुआ है सर, ये अखबारों में हमेशा आता है बिजली 140 साल में गर्मी, 140 साल में पड़ रही है, 112 साल में पड़ रही है गर्मी, ये हर बार आता है, कांग्रेस ने भी फेस किया है। अब सरकार क्या कर रही है, कोयला क्या आ जाएगा, कैसे होगा, क्या कारण होगा? देखिए देखिए चंद्रशेखर जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि CIL जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। अभी जाट साहब बोल रहे थे कोला पर्याप्त है, उस जगह पे नहीं जा रहा जहां पे जाना चाहिए था या जाना रखा होना चाहिए था। जो थर्मल प्लांट्स हैं उनके पास
ये एक देर इज इंडिकेट पूरा का पूरा रिटर्न कोड है कि उनके पास करीबन 15 से 20 दिन का कोयला रिजर्व होना चाहिए। अब ड्यू टू डिमांड सप्लाई एकदम से बढ़ गई है और डिमांड सप्लाई बढ़ने डिमांड बढ़ने की वजह से अब भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रोडक्शन जो है 14.2% बढ़ा दिया है और करीबन 47 नॉन एसेंशियल ट्रेन को जो पैसेंजर नहीं नहीं तो क्या 24-48 घंटे में समस्या दूर हो जाएगी या बढ़ेगी ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नो विदिन एक वीक से 10 दिन के टाइम में पूरा का पूरा यस। पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये चलिए ठीक है मैं आनंद जी आऊंगा आपके पास। रत्नाकर जी देखिए रामपाल जाट जी ने कहा कि कोयला भरपूर है लेकिन आवश्यकता से दूर है। मैं आपसे जवाब लूंगा लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नाकर सिंह जी कोयला भरपूर है लेकिन आवश्यकता से दूर है, बड़ा एक आप इसको पंचलाइन बना सकते हैं, नारा भी बना सकते हैं अपना वर्तमान के लिए जो रामपाल जाट जी ने कहा है, और पूरी तरह हमला करने के लिए यही लाइन पर्याप्त है आपके लिए तो सत्ता पक्ष पर। देखिए अभी किस तरह से ये आश्वासन दे रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन क्या ये आकलन ये प्रेडिक्शन जो है ये पहले नहीं कर सकते थे? इनको प्रिडिक्शन पहले करना चाहिए था, जिसकी वजह से इतने लोग आज परेशान हैं, लोगों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, आज वो किस तरह से तकलीफ में है, लाइट नहीं मिल रही है प्रॉपरली, वो किस तरह से तैयारियां करेंगे। तो ये सरकार जो है लोगों से जुड़े हुए जो मामले हैं, जनता से जुड़े हुए जो चीजें हैं, उन पे ध्यान नहीं देती है। इनका 24/365 जो है ये चुनावी जीत में लगे रहते हैं, ये इनका चुनावी प्रचार चलता रहता है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर अगर ध्यान देते तो इस तरह के संकट नहीं होते, इतनी महंगाई नहीं बढ़ती, इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ती, इतना शिक्षा का स्तर जो है गिर नहीं जाता। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्हें देखने के लिए। आज देखिए सरकार को किस तरह से मजबूरी में 657 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता है स्थिति, कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है कोयला संयंत्रों में। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि सिर्फ एक दिन का कोयला भंडारण उनके पास बचा हुआ है, अगर वो प्रॉपरली टाइमली उनके पास नहीं पहुंच पाता तो दिल्ली में ब्लैकआउट हो जाएगा। तो आप ये स्थिति में पहुंचने क्यों दिए? मेरा प्रश्न ये है, अगर आप सही तरीके से अगर उसको प्रॉपरली हैंडल किए होते, प्लानिंग के तहत किए होते, आप लोग तो सिर्फ बयानवीर हैं। आप लोग आते हैं टीवी में और कहते हैं कि अब कोयला मामले में मोदी जी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। पीयूष गोयल आते हैं कहते हैं कि अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है, अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बयानवीर लोग हैं, जब जब परिस्थितियां जब बिगड़ती है या जहां पे डिमांड और सप्लाई में गैप हो जाता है, डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई कम होता है, तब ये हाथ पैर अपने खड़े कर लेते हैं और आश्वासन देने का काम करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। किस तरह ठीक हो जाएंगी? आपके पास जादू का छड़ी है क्या? अरे आपको ये सब चीजें पहले करनी चाहिए थी, आप बाद में कह रहे हैं। दूसरी चीजें कह रहे थे कि कोयला प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, आपने पहले क्यों नहीं बढ़ाया? प्रश्न ये है, अगर आप आज आप बारिश में जा रहे हैं, कहीं बारिश सडनली आ गई, बारिश के टाइम में जा रहे हैं सीजन में आप कहीं बाहर और सडनली बारिश आ गई, फिर आप कहेंगे कि हम जा रहे हैं छतरी खरीद के, तो ये कौन सा तर्क हुआ कि जब समस्या सामने आके खड़ी हुई है तो आप उसको जूझ नहीं पा रहे और कह रहे हैं कि हम इसके लिए इस समस्या के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम फिर एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर ये प्रॉब्लम एक हफ्ते में सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो ये इन लोगों के जो है बयानवीर लोग हैं, ये बयानबाजी करते रहते हैं। समस्या जो है वो देश की जनता झुलस रही है, जिस तरह से गर्मी में उनको उत्तर प्रदेश की है उदाहरण ले लीजिए, 15-15 घंटे गांव में बिजली नहीं मिल रही है। तो ये तो इनके बीजेपी शासित राज्य है ना, 12 राज्य कहीं बीजेपी शासित राज्य है, 16 राज्यों में जहां भी बिजली की संकट गहराई है। तो ये अपने राज्यों में ये खुद नहीं मैनेजमेंट प्रॉपरली कर रहे हैं, और जहां पे किने छूने राज्य सरकार जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे ये आरोप लगाते फिर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि आप कोयले का आयात करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोगों को समझ में आ गया। कितने दिन लोगों को मूर्ख बनाएंगे, जनता को बेवकूफ बनाने कितने दिन में आप जनता को बेवकूफ बनाएंगे? और आयात करने में भी बिजली महंगी हो जाती है, शायद ये चीजें इनको शायद जानकारी नहीं है। आज बिजली अगर महंगी हो जाएगी, हम आयात करते हैं तो वो तो जनता के ऊपर एक भार पड़ेगा ना। बिल्कुल। और अडानी इलेक्ट्रिसिटी
और बाकी डीसीडी जो इनके मित्र मित्रों के हैं वो तो अगर 2 रुपए अगर कॉस्टिंग बढ़ेगा तो वो तो 5 रुपए कॉस्टिंग बढ़ा देते हैं। ऐसे ही थोड़ी 20 के वो 5वें सबसे अमीर आदमी बन गए, ऐसे ही थोड़ी अंबानी 20 के 10वें सबसे अमीर चौथे नंबर चले गए, आप भी जने कहां हैं, चौथे नंबर पे चले गए। पहले नंबर मोदी जी की कृपा दृष्टि रही तो पहले नंबर पे भी आ जाएंगे। और हमारे देश में हमारे और एक चीज बता दूं आपको त्रिशूल जी, हमारे देश में भुखमरी में 116 देशों में 111वें नंबर पे है। तो ये 2 देश है हमारे यहाँ, एक तो अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का देश है और एक हम गरीब जनता का देश है। तो ये 2 देश बना दिए हैं, 9 लोगों के पास देश की आधी संपत्ति 9 लोगों के पास है। तो आप देश को पूंजीवादी की तरफ धकेल दिए हैं, आप अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, रत्नाकर जी मैं आऊंगा आपके पास। रामपाल जी देखिए, हमने सुना है कि ये गांधी जी ने भी कहा है और ये सुना है बहुत कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और जिस कदर गर्मी है और जिस कदर भीषण गर्मी है और लाइट जिस तरह नहीं आ रही है तो भारत की आत्मा तो झुलस रही होगी प्रतिपल, तो कैसे उसमें ठंडक पहुंचेगी, कैसे बिजली आएगी। सरकार तो प्रयास कर रही है, देखिए पूरा आनंद संवारिया जी ने कह दिया है कि 8 से 10 दिन लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो इसके लिए क्या होना चाहिए। चंद्रशेखर जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता धीमान है, ऊर्जावान है, इनकी ऊर्जा और बुद्धि का उपयोग जो है यदि वो सही दिशा में हो जाए तो ये समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाएगा। दिक्कत यह है कि इनकी इस सारी ऊर्जा का और बुद्धि का उपयोग ये लगाते हैं बयान वीर बनने में, तो मैं सोचता करमवीर बन जाएंगे। और जो ये बात कहते हैं पार्टी लाइन की, ये पार्टी लाइन को छोड़कर यदि न्याय बुद्धि की लाइन पर बोलने लग जाए तो बहुत सारी चीज तो वैसे हल्की हो जाएगी। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गांव की समस्या आपने सही कहा चंद्रशेखर जी, आत्मा झुलस रही है। आज इस नीति के कारण से जो 10 दिन में अब होगा ये 10 दिन पहले से शुरू हो जाता समस्या। तो रामपाल जी, क्या वाकई में जो भारत की आत्मा झुलस रही है उसका निदान होना बहुत आवश्यक है इस समय, और ये चूंकि अब भारत माता के सच्चे पुत्र ही सत्ता में बैठे हैं तो उनकी तो नैतिक और सारी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आत्मा नहीं झुलसे। सही आपने टिप्पणी की चंद्रशेखर जी, इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि यदि ये हमारे ऐसे बुद्धिमान और सक्षम लोग यदि समय पर चेत जाए, इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे दे, तो जितनी ये सोचते हैं बाकी लोगों के बारे में उस ढंग से गांव के बारे में सोचने लग जाएं, तो शायद गांव में बालकों की बिलबलाहट सुनाई नहीं देती, ये अकुलहाट जो बीमारों की वो सुनाई नहीं देती, जो बुजुर्गों में घबराहट आई है देखने को नहीं मिलती। तो ये इसलिए मिली कि समय पर नहीं चेते, जब 10 दिन में इसका उपचार हो सकता था 7 और 10 दिन में, तो 10 दिन अतिरिक्त मान लो तो 10 दिन पहले क्यों नहीं चेते, ये आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए जितनी बुद्धि जितनी ऊर्जा है यदि सरकार की दिशा में लगे तो कोई कारण नहीं कि हिंदुस्तान में लोगों की आत्मा को झुलसना पड़े, उसके लिए फिर सोचना पड़े और चंद्रशेखर जी को इसके लिए टीवी पर डिबेट आयोजित करनी पड़े। बिल्कुल, डिबेट आयोजित होती इस पर कि सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, समय से पहले संकट आने से पहले। नहीं, मैं समझ गया मैं आपकी बात को, मैं समझ गया। अब मैं पूछ लेता हूँ इनसे, आनंद समारिया जी, ऐसा तो नहीं है कहीं के एक डेटा निकाल के रखा हो कि भाई कांग्रेस के कार्यकाल में इतने समय बिजली संकट पैदा हुआ वो 20 दिन में हल हुआ, वो और कांग्रेस के समय में इस समय में संकट हुआ बिजली का और वो इतने महीने में हल हुआ और हमने देखिए 15 दिन में हल कर दिया, ऐसा तो कोई डेटा निकाल के नहीं रखा है कि फिर पहले संकट हुआ फिर हल होगा फिर दावे होंगे कि सरकार ने देखिए कितनी जल्दी किया, ये तो नहीं है कुछ। नहीं नहीं, नहीं चंद्रशेखर जी, और बुरा लगेगा सर आपको मेरा सवाल करना बनता है सर। नहीं नहीं, मेरा सवाल उन करोड़ों लोगों की तरफ से है सर जो बिजली से परेशान है। नहीं नहीं, आपका हक है, और भारतवर्ष के जिन लोगों ने मेजोरिटी में हमारी सरकार बनाई है उनको पूछने का हक है, और मैं उत्तरदायी हूँ इस मुताबिक से। आपने कहा कि डाटा निकाल के तो नहीं रखा था,
देखिए, अगर कांग्रेस के डाटा को निकाल करके हम उससे कंपेयर करके चलते तो जो गांव में अभी रामपाल जी ने बताया कि जो आत्मा झुलस रही है, ये मेरी भारतवर्ष की एनडीए की सरकार ने पहली बार गांव के बारे में, गांव में जो बिजली पहुंचाने का काम आखिरी एंड तक पहुंचाया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, आखिरी गांव तक बिजली का पोल लगा है, उसमें तार लगे हैं, तो वो हमारी सरकार ने ही किया है। मैं आज अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं उठाया हूँ, सिर्फ उस आत्मा झुलसाने की बात कर रहा हूँ। देखिए, गांव के बारे में जो प्रायोरिटी है हमारी सरकार की, फर्स्ट प्रायोरिटी गांव के बारे में, जिस तरह अभी रामपाल जी भी किसान हैं और ये प्रधान है अपनी किसान यूनियन, जितना कुछ किसानों के बारे में डेवलपमेंट, जिस तरह से रूरल डेवलपमेंट के बारे में फंड्स अलॉट किए हुए हैं, बट हर एक चीज का समय लगता है। आज जो बिजली की बात हम कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी रत्नाकर जी से पूछ रहा हूं कि ये इमरजेंसी जब आ गई है तो आप पार्ट बनिए सॉल्यूशन का। देखिए, देर इज ए पावर। अरे सर, वो तो वैसे ही कोयला हो गए, कांग्रेस को कोयला कर दिया आपने, और उसको और जलाओगे ना तो भी कम नहीं, बिजली नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस को बिल्कुल आपने कोहिनूर से कोयला कर दिया है। नहीं नहीं, हाँ नहीं रत्न, देखिए चंद्रशेखर जी, पावर की कमी ग्रिड में नहीं है। हाँ देखिए, ग्रिड में सरप्लस पावर भी और है। और देख लीजिए, आपने कांग्रेस को कोयला किया है ना, आप देख लीजिए कोयले के भी दिन आ गए क्या, आज कोयले की भी कमी पड़ रही है। नहीं नहीं, हमने नहीं किया, हम तो कहते कांग्रेस फले फूले, ये तो जनता ने किया। रत्नाकर जी, पावर एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज एक प्रोसीजर है जहाँ सरप्लस स्टेट में पावर है, इस ग्रिड में सरप्लस पावर भी है। इनकी एक दो स्टेट में तो सरकार होगी। महाराज दो ही जगह तो उनका ले लो, आप तो राजस्थान में सरकार है उनकी, महाराष्ट्र में उनसे ले लो आप, सरप्लस पड़ा है तो आप। तो क्या इन्होंने पावर एक्सचेंज से कोई, महाराष्ट्र में कमाल करते हैं आप आनंद जी, आप पावर एक्सचेंज से कुछ लिया इन्होंने, कोई नहीं लिया। देखिए, हर एक स्टेट को कोयले का इम्पोर्ट करने की पावर्स हैं इन्होंने, मतलब इस वक्त देखिए जिम्मेवारी हमारी है और इस वक्त सारे के सारे स्टेप्स भारत सरकार ले रही है, उसमें कोयले की प्रोडक्शन ज्यादा है और वो जो कोयले के थर्मल प्लांट्स है वहां तक पहुंचाने के लिए है, और पावर जो ग्रिड है उसमें भी एक दूसरे की एक्सचेंज करके विद इन 7 और 10 दिन के बीच में ये सारा जो क्राइसिस है वो पूरा हो जाएगा। ये क्राइसिस आप कह रहे हैं तो हो जाना चाहिए, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास रत्नाकर जी, मुझे लगता है उस बेचारे उपभोक्ता का, उस देशवासी का कोई कसूर नहीं है जो टाइम पे बिल भर देता है, और नहीं भरता तो बिजली कट जाती है, लेकिन जब बिजली नहीं आती है तो उसको लगता है कि फिर हम ये ठगी हमारे संग क्यों हो रही है, ये हमारे संग धोखा क्यों हो रहा है। और निश्चित रूप से सरकार कोई भी हो, उस सरकार की जिम्मेदारी है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के साथ धोखा देने का काम तो शुरू से करती आ रही है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन है। देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी जो है वो आजादी के बाद अभी तक सबसे ज्यादा है, महंगाई जो है वो भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, महिलाओं का देख रहे हैं किस तरह से उन्नाव, हथरस, ये सारी घटनाएं हो रही है। इनके केंद्रीय मंत्री जो है लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री वो किसानों के ऊपर, सुनिए तो अच्छे दिन गिना रहा हूँ, अच्छे दिन गिना रहा हूँ, तो ये झूठ तो बोलते ही है ना जनता से। जब चुनाव क्या करेंगे ये बताइए आप, तो आप ये सलाह दीजिए क्या करना चाहिए सरकार को। सुनिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाती रही, चाहे कोई भी मुद्दा हो, जनता से जुड़े हुआ मुद्दा। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग झूठे राष्ट्रवाद की डफली बजाते हैं और इतनी जोर से बजाते हैं कि उस डफली के आवाज के आगे ये जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ना वो सुनाई नहीं देते हैं लोगों को। उनको सिर्फ सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, यही सब सुनाई देता है। मतलब आज लोगों को इस तरह से ये लोग उन्मादी बना रहे हैं कि आज लोगों भगवान का नाम लेके दूसरे समुदाय के लोगों को पीटने का काम किया जा रहा है। जो हम प्रभु श्री राम का नाम गांव में सुबह सुबह मिलते हैं जब एक दूसरे से, तो जय श्री राम बोलते हैं, श्रद्धा से एक दूसरे को नमन करते हैं, आज ये प्रभु श्री राम का नाम भी बदनाम कर दिए हैं। हनुमान चालीसा का ये मुद्दा लेके आते हैं, अजान का मुद्दा लेके आते हैं,
हनुमान चालीसा आप चलिए ना घर में मंदिर में बैठ के पढ़िए, मंदिरों में चलिए पढ़िए, हम तो कीर्तन करते हैं शनिवार को, हर शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये मुद्दा उन चीजों को बनाते हैं जिससे कि ध्रुवीकरण हो और इनको उस ध्रुवीकरण में फायदा मिले। तो ये एक सेट एजेंडे के तहत चल रहे हैं, उस एजेंडे में एक एक सगुफा निकालते रहते हैं, कभी हिजाब बैन तो कभी मीट बैन तो कभी अजान तो कभी हनुमान चालीसा तो कभी हिंदी राष्ट्रभाषा, तो इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं। अरे आप जो है कभी महंगाई पे भी चर्चा कर लिया करिए, कभी बेरोजगारी पे भी चर्चा कर लिया करिए, कभी देश जो आज आर्थिक स्थिति जो है बदहाल हो चुकी है, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, कंपनियां बंद हो गई हैं, उस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। जो चल रही है लाइट नहीं आ रही। हाँ, अडानी और अंबानी को आप नंबर वन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, 23 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे आ गई है आपके शासन काल में, तो ये कौन सा देश बना रहे हैं आप? ये तो सोचने का विषय है ना कि देश को किस जगह लेके जा रहे हैं। ठीक है, आप देश का विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? ठीक है रामपाल जी, क्या एक सार्थक पहल होनी चाहिए और क्या ऐसे कारण नहीं उपजे आने वाले समय में, और ये समग्र विश्व में ये संदेश जाता है कहीं ना कहीं जो भी अगर क्राइसिस इस तरह का होता है तो कैसे ये होना चाहिए कि परिपक्व जो कदम है इस बारे में उठने चाहिए? चंद्रशेखर जी, आपने ये जो प्रश्न रखा है सबके सामने, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होना क्या चाहिए। मैं सुझाव देता हूँ उसी बारे में, और इसी विषय पर हम सब रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा निष्कर्ष आएगा। अभी एक चौपाई जो लिखी, पराधीन सपने सुख नाही, जब जब भी केंद्रीकृत व्यवस्था होगी उसमें जितनी निर्भरता बढ़ेगी उसमें जरा सी भी चूक होने पर ये बिलबुलाहट, अकुलाहट और घबराहट आएगी। ये नियम इसके लिए जरूरी है, भविष्य के लिए जो हो गया वो तो हो गया, उसको वापस नहीं जाया जा सकता, लेकिन आगे के लिए हमें ऐसी नीतियां तैयार करें कि ये जो बिजली की भी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ये केंद्रीकृत नहीं हो, ये गांव स्तर पर लेकिन रामपाल जी, रामपाल जी विपक्ष भी पूरी परिपक्वता से ये कहने में नाकाम रहा है कि दरअसल ये नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जवाब लूंगा लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। रामपाल जी, रामपाल जी मेरा सवाल, हाँ जी जी मेरा सवाल आपसे जी, जी 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 चंद्रशेखर जी, मैं ये कह रहा था आपका जवाब तो सारे जनता के ओर से है, हमको भी उतनी गंभीरता से उस जवाब ढूंढने के लिए प्रयास करने चाहिए, और इसलिए मैंने एक सुझाव दिया कि जो केंद्रित व्यवस्था है इसके स्थान पर विकेंद्रित व्यवस्था, ये कम दुख देगी, अन्यथा जो दासत्व है, दासता है, निर्भरता है, ये ज्यादा दुख देती है। यदि यही व्यवस्था हमारी होती गांव स्तर पर, गांव के ब्लॉक स्तर पर, तो हमको समस्याएं इतनी नहीं आती। आ तो एक बटन खराब होता तो पूरा देश में त्राहि त्राहि मच जाता है। इसलिए बिजली हो, पानी हो, ये जीवन के लिए आवश्यक चीज है। तो जो सत्तारूढ़ ने कहा हम अंधियारे से उजियारे की ओर चलेंगे, तो उजियारे की ओर चले तो इस उजियारे को सख्त करें, छोटे छोटे स्थानों पर बड़ी इकाई नहीं छोटी छोटी इकाइयां बनाए, और अभी ये जल की बात है, जल को भी उसी ढंग से बनाए, इसलिए जल और बिजली की व्यवस्था उनको ये विकेंद्रित करने की ओर आगे बढ़ेंगे तो मैं सोचता हूँ ये संकट तो आ सकता है भविष्य में भी, लेकिन वो अखरेगा कम, तो इसलिए अखरे कम और सरकारों की गति पहले से तैयारी हुई तो इस ढंग से संकट तो आएंगे ही नहीं। इसलिए जो तैयारी पूरी होती है, मन बढ़िया होता है, उसकी प्राथमिकता होती है, तो ऐसी समस्याएं नहीं आती। जब हमारी प्राथमिकताएं भिन्न होती है, प्राथमिकता इन बातों के लिए नहीं होती, शासन उनके लिए समय नहीं मिलता, और ना शासन के बारे में कहा जाता है, 100 हाथियों के बराबर राज में
तो रात में सफल होते भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो, ये विचारणीय विषय है। इसलिए इसके लिए आपने जो प्रश्न किया, हम सबका मिलकर उसका उत्तर ढूंढना चाहिए कि भविष्य में ऐसे दिन नहीं देखने पड़े। इसके लिए क्या करें और अपने अपने बारे में सोचें। इसलिए इसको कहते हैं प्रथम पुरुषी विचार, दूसरे के बारे में कम विचार करें, स्वयं के बारे में विचार करें ज्यादा। इसलिए प्रथम पुरुषी विचार यदि स्वयं चले तो ऐसी समस्याएं भविष्य में घटेंगी और घटते घटते ये समाप्ति हो जाएंगी, कभी दोबारा ऐसा संकट झेलना नहीं पड़ेगा, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, भारत की जो आत्मा है, उनको झुलसना नहीं पड़ेगा। ठीक है आनंद समारिया जी, देखिए जो सरकार है केंद्र में, उसकी छवि लोगों में एक शक्तिमान, एक महानायक जैसी छवि है, और जब उस सरकार के सामने कोई संकट हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं कि इतना ऐसी सरकार जिसके सामने संकट टिकता ही नहीं है, खड़ा ही नहीं रह सकता, जो अखंड भारत की तरफ जा रही है, जो पूरे भारत को एक ऐसे समग्र भारत में तब्दील करना चाहती है, जो पूरी दुनिया जिसको कहती आई, सुनती आई, देख नहीं पाई, अभी जो वर्तमान है देखना चाहती है दुनिया, उस सरकार से अगर संकट हल नहीं होता तो लोग वाकई में घबरा जाते हैं और आपकी फिर जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है, आपसे अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती हैं कि आप उस संकट को जल्दी से जल्दी हल करें ताकि आपकी छवि पर असर न पड़े। और जो आपने कहा है कि देश को उजियारे की ओर ले जाएंगे, अंधकार की ओर नहीं ले जाएंगे, तो वो अंधकार की ओर न जाए देश। बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर जी, आज मेरी बदकिस्मती है कि मैं रत्नाकर जी को ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मैं गैदर कर पाया है, इन्होंने एक तो श्री राम जी को और हनुमान जी को बदनाम कर रहे थे कुछ सुनते हुए, दूसरा इन्होंने एक स्टेटमेंट मैंने सुना कि ये जनता के जो मुद्दे लेकर के आते हैं और मुद्दों के साथ लड़ते रहते हैं, तो वो तो मैं मान गया। जिस तरह से आपने जनता के मुद्दे उठाए हैं, पिछले चार स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, जनता पूरी तरह से मान गई है आपको। और धारियर, मैं देखिए इस वक्त जो प्रॉब्लम है, और अभी जाट साहब ने जो बात बताई, तो रामपाल जी, ये एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ही वो प्रोग्राम है कि हर घर को जल मिलेगा, हर घर को बिजली मिलेगी, बट हमारी प्रॉब्लम बहुत लंबी है। आप इत्मीनान रखिए, जिस तरह से जनता जनार्दन ने हमें दिल खोल करके पावर दी है, भारत सरकार पूरी तरह से सशक्त है, हमारे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हम ये कोयला विद इन 7 days में जहां होना चाहिए वहां पहुंच जाएगा, पर विपक्ष से भी हम ये आशा करते हैं कि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन, जहां जहां उनकी पावर है वो पावर ऑफ एक्सचेंज कर लें, इंपोर्ट करने की पावर्स हैं, लेकिन उनका तो एक डिस्ट्रक्टिव, जैसे जो सिविल सोसाइटी वाले लेटर लिखते हैं, उस तरह से ये क्राइसिस के टाइम आते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, विपक्ष पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बनना चाहता। जाट साहब, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ रामपाल जी, के हर घर को पानी, नल का पानी कभी सोचा था? मैं भी गांव से आता हूं, हम भी गांव से पानी लेने जाते थे, अब हर घर को, जितने भी हाउस होल्ड हैं गांव में हैं, उनको स्वच्छ पानी मिलने की स्कीम सिर्फ भारत सरकार, अब एनडीए सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और ये बिजली के जो कमी आई है, हमारे पास जो सडन सपोर्ट बढ़ गया, उस ग्रिड में कमी नहीं है, ग्रिड में बहुत बिजली है, तो उसको स्ट्रीमलाइन करके, अब ये जो थर्मल प्लांट, जो उनके पास कोयले की कमी है, लेकिन वो सरकार जिनके थर्मल प्लांट्स हैं वो भी प्लान करके 15 दिन का नहीं रखते। और एक बात बता देना चाह रहा हूँ, इस वक्त कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर सरकारों का अरबों रुपए का लोन जो है खड़ा हुआ है, तो ये चीजें हैं जो हमारा हेडेक है। ये कांग्रेस ने किया होगा सब काम, ये कांग्रेस ने किया होगा सब। नहीं, चलो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये सच्चाई है, लेकिन जिम्मेवारी है, जनता जनार्दन ने हमें खुल के वोट दिया है, हमारे को सरकार में लेकर के आए हैं, हम उन पूरी आशाओं पे पूरा उतरेंगे, और हर हालात में हर घर को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, और हर तरह की बिजली की समस्या का प्रॉब्लम हम ढूंढेंगे। जो अपेक्षा जनता हमसे कर रही है, उस अपेक्षा पे पूरी तरह से उतरेंगे और विपक्ष पर निराधार आरोप नहीं लगाएंगे।
विपक्ष पर कोई ऐसा निराधार आरोप भी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल रत्नाकर जी, जी त्रिशूल जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही है कांग्रेस को, बीजेपी को, सबको आ रही है आपकी आवाज, रामपाल जी को, पूरे देश को। देखिए डॉक्टर साहब ने जो कहा तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। उन्होंने कहा प्राथमिकता की बात थी कि सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रवक्ता जो भी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता क्या है? चुनाव जीतना प्राथमिकता है या जनता की सेवा करना प्राथमिकता है? आप 24/365 जो है चुनावी मोड में रहते हैं, आपकी प्राथमिकता चुनाव जीतना है। अगर जनता की सेवा करना रहता तो ये सारी चीजें नहीं होती। आपकी प्राथमिकता क्या है? लोगों के बीच में सद्भावना को बनाए रखना है कि आपकी प्राथमिकता ध्रुवीकरण की राजनीति करना है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की प्राथमिकता है? पहले आप ये तय कर लीजिए, क्योंकि देश में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और जो चीजें देखने को मिल रही हैं उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि आपकी प्राथमिकता जो है एन केन सत्ता सीन रहना है, एन केन प्रकार आपको ध्रुवीकरण करना है, पोलराइजेशन करना है। तो आपकी प्राथमिकता ये है। आपकी प्राथमिकता अगर लोगों के प्रति रहती तो आज बिजली संकट नहीं रहती। आपकी प्राथमिकता अगर लोगों को रोजगार देने की रहती, आपने वादा किया था कि हम 2022 तक 80 करोड़ रोजगार देंगे, 2021 में ही 3 करोड़ रोजगार आपने छीन लिया। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है रत्नाकर जी, समय समाप्त हो रहा है रत्नाकर जी, आनंद सवारिया जी, रामपाल जाट जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। देखिए जो उपभोक्ता रोज ये अपना प्रयास करता है कि जब भी बिल आए बिल भर दे, और तमाम देश में ऐसा एक शक्तिमान सरकार है, तब हर एक व्यक्ति को उम्मीद है कि उस सरकार को संकट तुरंत हल कर देना चाहिए। और सरकार जिस तरह एक्शन ले रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में संकट हल हो जाए, लेकिन अभी लोग परेशान हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी।